हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं श्वेता मैम, एमएस एकेडमी स्कूल से। क्लास सेवन्थ का हमारा चैप्टर चल रहा है ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, और इसमें आज का हमारा टॉपिक है कि ऑक्सीजन किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, ब्लड के द्वारा ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कहाँ से और कैसे होता है। तो ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन के लिए ब्लड में मौजूद होता है आरबीसीएस। ठीक है, आरबीसीएस यानी कि रेड ब्लड कॉर्पसल्स। एक बूंद जो ब्लड होता है, एक बूंद ब्लड, इसमें आरबीसीएस की संख्या लगभग होती है 26 करोड़। ठीक है, 26 करोड़ आरबीसीएस के सेल पाए जाते हैं केवल एक बूंद ब्लड में, वन ड्रॉप ब्लड में। ठीक है, और एक जो उसमें से, इसमें तो टोटल ये 26 करोड़ हैं। ठीक है, इसमें लगभग 26 करोड़। अब इसमें से एक अगर आप आरबीसीएस का सेल ये ले लेते हैं, तो इसके एक आरबीसीएस के सेल में लगभग 28 करोड़ हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। ठीक है, हीमोग्लोबिन्स, जिसको हम किसे रिप्रेजेंट करते हैं, एचबी से, जो कि क्या होता है, ये एक होता है ग्लोबुलर प्रोटीन। तो हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स 28 करोड़ पाए जाते हैं एक आरबीसीएस में। ठीक है, एक आरबीसी में, और इसके अंदर एक बूंद में होते हैं 26 करोड़ आरबीसीएस के सेल होते हैं। ठीक है, आरबीसीएस रेड ब्लड कॉर्पसल्स 26 करोड़ होते हैं, यानी कि वन ड्रॉप ब्लड के लॉस से हम कितना ज़्यादा हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स लॉस होता है अगर हम 26 करोड़ और 28 करोड़ का मल्टीप्लाई करें तो। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि ब्लड जो होता है, ज़्यादा अगर कहीं एक्सीडेंट होता है, कुछ ऐसा होता है, तो ब्लीडिंग ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। पहले ब्लड को, ब्लड के लॉस को रोकना होता है ना, जहाँ से ब्लड ब्लीडिंग हो रही है, तो क्या करते हैं, उस पर जल्दी से किसी चीज़ से उसको कवर किया जाता है, बांधा जाता है टाइटली, ताकि ब्लड का निकलना बंद हो। तो ये इंपॉर्टेंस है। अब देखिए, अब इसमें जो एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल्स होता है, ठीक है, एक हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स को हम एचबी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करें हम एचबी से। और एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल्स, अगर ये हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है, तो इसके पास ये जो होता है, चार ऑक्सीजन को एक साथ कैरी कर सकता है। ठीक है, एक ऑक्सीजन इस साइड पर, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, इस तरीके से ये चार ऑक्सीजन को कैरी करता है। तो एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन को ये कैरी कर सकता है, तो हीमोग्लोबिन प्लस 4 ऑक्सीजन इज इक्वल टू, जो ये बनेगा, अब इनके साथ ये जुड़ गया है, मतलब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ एक टेम्प्रोरी बॉन्ड से जुड़ गया है, तो ये जो हमारा कंपाउंड बना, इसको हम बोलेंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी यानी कि ऑक्सीजन, उसके बाद हीमोग्लोबिन, तो इसका नाम हो जाएगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, अब देखिए ये प्रोसेस कहाँ होता है, जो ये हम फर्स्ट रिएक्शन देख रहे हैं, ये कहाँ होता है। सबसे पहले हम ब्रीदिंग करते हैं, सांस लेते हैं। जब हम सांस लेते हैं, तो गैसेस, जिसमें कि ऑक्सीजन ज़्यादा होता है, वो गैसेस जो है नोज से होते हुए, नोज ट्रैकिया से होते हुए कहाँ जाते हैं, लंग्स में। तो लंग्स में जो गैसेज हैं, उस गैसेज में और भी गैसें होती हैं, जैसे हम ये नहीं कह सकते कि हम केवल ऑक्सीजन ले रहे हैं। जो लंग्स में गैसेज जाती हैं, जैसे उसमें होता है H2O होता है, CO2 होता है, N2 होता है और ऑक्सीजन होता है। मेनली इसमें मैक्सिमम परसेंटेज जो होता है, वो ऑक्सीजन का होता है, मतलब ऑक्सीजन ज़्यादा अमाउंट में जाता है, जो हमको चाहिए, जिसको हमको यूज़ करना है। तो ये ऑक्सीजन रिच एयर यहाँ पहुँचता है लंग्स में। ठीक है, अब लंग्स में यहाँ पर ऑक्सीजन है, अवेलेबल है। अब क्या होगा कि ऑक्सीजन यहाँ से लंग्स के चारों तरफ, लंग्स में हम देखेंगे कि लंग्स में पूरा, जब लंग्स का आप स्ट्रक्चर देखेंगे, तो लंग्स में इस तरीके के, ये लंग्स है, इसमें बिल्कुल ऐसे छत्ते की तरह से ये एल्वियोलाई होते हैं, और हर एल्वियोलाई के चारों तरफ ब्लड वेसल्स का, ब्लड कैपिलरीज का घना जाल होता है, यानी कि एक एक एल्वियोलाई को ब्लड ने कवर कर रखा है। ठीक है, यानी कि ब्लड डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में आता है एक एक एल्वियोलाई से। अब यहाँ पर क्या होता है कि इस ऑक्सीजन को ब्लड क्या करता है कि यहाँ से तुरंत एक्सचेंज का काम करता है। ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर ज़्यादा है, और ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन, ये देखिए, यहाँ पर समझिए कि ये ब्लड है। ठीक है, इस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है, CO2 का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ ज़्यादा है, O2 का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ ज़्यादा है। तो कोई भी चीज़ अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में जाता है, हालांकि ये हम क्लास सेवन्थ के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं आपको ऐसे बता रही हूँ। बड़े क्लासेस में हम देखेंगे इनके प्रेशर के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन यहाँ से होते हुए कहाँ जाएगा, यहाँ से इसको कहाँ ले लिया जाएगा, ब्लड में,
और ब्लड में CO2 का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो यहां से CO2 कहां जाएगा, ये चला जाता है लंग्स में। तो अब लंग, अब आप देखेंगे कि यहां पर एक्सचेंज होने के बाद अब यहां पर CO2 ज्यादा हो गया, ठीक है। अब ये जो CO2 ज्यादा हो गया इसको हम क्या करेंगे, इनहेल करें, एक्सहेल करेंगे। जब हम सांस छोड़ते हैं तो ये CO2 इन गैसेस के साथ बाहर निकल जाता है, यानी कि ऑक्सीजन रिच एयर हम लेते हैं, इनहेल करते हैं, और CO2 रिच और गैसेस जो एयर जो है उसको हम एक्सहेल करते हैं। जब हम लेंगे तो ऑक्सीजन ज़्यादा रहेगा गैसेस में, और जिस गैसेस को हम जब एक्सहेल करेंगे, जो सांस हम छोड़ते हैं, उसमें CO2 की मात्रा ज़्यादा होती है। अब ये O2 आ गया कहाँ, ब्लड में, ठीक है। यहाँ पर एक्सचेंज हुआ और O2 आ गया ब्लड में। जैसे ही O2 ब्लड में आता है, यहाँ पर रहता है क्या, RBCs के सेल रहते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ये ब्लड रेड ब्लड कॉर्पल्स होते हैं, और हर रेड ब्लड कॉर्पल्स में क्या होता है, भरा होता है इसमें हीमोग्लोबिन, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। हर RBC में क्या होता है, हीमोग्लोबिन भरे होते हैं। लगभग 28 करोड़ हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल्स जो होगा वो चार ऑक्सीजन को के साथ एक टेम्प्रोरी बॉन्ड बना करके रिएक्शन कर लेता है, यानी कि उनको अपने साथ जोड़ लेता है। तो इसमें का एक हीमोग्लोबिन जो है ये HB है ना, इसने चार के साथ टेम्प्रोरी बॉन्ड बना करके ये जुड़ गया। तो ये रिएक्शन ऑक्सीजन के आते ही सभी RBCs में से जितने भी हीमोग्लोबिन होते हैं, सभी हीमोग्लोबिन का काम यही होता है कि फटाफट ऑक्सीजन को कैरी करना, ठीक है। और एक हीमोग्लोबिन चार ऑक्सीजन को कैरी करके क्या बना लेगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब इस तरीके से इन्होंने यहां से ऑक्सीजन ले लिया, ठीक है। अब ये ब्लड ऐसे जाते 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 ब्लड कहां तक जाएगा, इन ऑक्सीजन को कहां पहुंचाना है, ठीक है। तो अब ब्लड इन ऑक्सीजन को लेकर के किस रूप में, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में ब्लड इनको लेते 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 कहां पहुंचेगा, यहां पहुंचता है हमारे सेल के पास। हमारी पूरी बॉडी सेल से बनी होती है और सेल के अंदर ही सारे प्रोसेस होते हैं, ठीक है। हमको एनर्जी चाहिए तो एनर्जी भी यहीं पर बनता है, एनर्जी का प्रोडक्शन यहीं होता है। तो एनर्जी बनाने के लिए सेल कहते हैं कि हमको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। तो ब्लड क्या किया कि ब्लड का ब्लड ने काम पे लगाया हीमोग्लोबिन को, तो हीमोग्लोबिन ने चार ऑक्सीजन को कैरी किया और लेकर के ये पहुंच गया सेल के पास। लेकिन ब्लड जो है वो डायरेक्टली सेल को नहीं देगा, बल्कि सेल के चारों तरफ क्या होता है, टिश्यू फ्लूइड होता है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है। ब्लड के चारों तरफ ये होता है टिश्यू फ्लूइड। अब ये जाकर के यहां पर क्या होगा, देखो टिश्यू फ्लूइड में अब क्या होगा कि यहां पर पहले से सेल ने जो यूज किया है, तो यहां पर इन्होंने सेल ने काम करने के बाद बहुत सारा CO2 यहां पर रिलीज किया है, ठीक है। इनके लिए CO2 वेस्टेज था, तो सेल ने बहुत सारा CO2 यहां पे क्या किया, रिलीज कर दिया। अब जो ब्लड यहां से जा रहा है उसके पास क्या है, O2 है, ठीक है। O2 ज्यादा है, इनके पास ऑक्सीजन ज्यादा है, इनके पास CO2 ज्यादा है, तो फिर क्या होगा, वापस फिर वही एक्सचेंज होगा जैसे आपने यहां देखा था कि जो चीज जहां ज्यादा है अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाएगा। तो CO2 यहां से ब्लड में आएगा और O2 का कॉन्सेंट्रेशन चूंकि अभी ब्लड में ज्यादा है, तो O2 यहां से कहां जाएगा, टिश्यू फ्लूइड में जाएगा, ठीक है। तो CO2 टिश्यू फ्लूइड से ब्लड में इधर एंटर करता है, जबकि O2 यहां से टिश्यू फ्लूइड में एंटर करता है, ठीक है। वापस यहां पर फिर एक्सचेंज हुआ है ना। अब यहां पर क्या मौजूद हो जाएगा, जब एक्सचेंज हो जाएगा तो यहां पर बहुत सारे O2 हो जाएंगे। अब इन O2 की जरूरत किसको है, सेल को है, तो सेल यहां से टिश्यू फ्लूइड से सेल क्या कर लेंगे, O2 को अपने अंदर ले लेते हैं, इनको जितने O2 की आवश्यकता है, ठीक है। और फिर O2 को ये लेकर के क्या करेंगे, रेस्पिरेशन का प्रोसेस करेंगे, यानी कि C6H12O6 को O2 को इस्तेमाल करके ये इसको तोड़ेंगे और बनाएंगे क्या, बनता है H2O, CO2 और प्लस एनर्जी, एनर्जी बनेगा जो कि किसके फॉर्म में रहेगा, ATP के फॉर्म में, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि O2 को इन्होंने इस्तेमाल किया लेकिन फालतू मतलब वेस्टेज के रूप में क्या बन गया, CO2। तो यही जो CO2 बनता है ना, उसको ये क्या करते हैं, वेस्टेज को टिश्यू फ्लूइड में छोड़ देते हैं, ठीक है, कि जब भी ब्लड आएगा तो यहां से वो उठा ले जाएगा इनको, है ना। अब CO2 यहां से होते हुए कहां गया, ब्लड में आ गया। तो ये ब्लड अब क्या करेगा, इन CO2 को लेकर के, CO2 यहां आ गया था, अब ब्लड क्या करेगा कि इन CO2 के साथ जो हीमोग्लोबिन अभी ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ था, वही हीमोग्लोबिन अब क्या करेगा कि देखिए, पहले यहां पर हीमोग्लोबिन
टूटा यहां पर, ठीक है ना, इसने इसके साथ टेम्पोररी बॉन्ड बना रखा था ऑक्सीजन के साथ। जैसे ही यहां पर कॉन्सेंट्रेशन कम हुआ, मतलब यहां पर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कम है और यहां पर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो तुरंत ये ऑक्सीहीमोग्लोबिन जो था ये अपना बॉन्ड तोड़ देगा और सारे ऑक्सीजन को फ्री कर देगा। और ऑक्सीजन फ्री होकर के क्या हो जाएंगे, इधर चले जाएंगे, देखिए यहां चले आए, ठीक है। और यहां पर बचा क्या ब्लड में, केवल HB यानी कि केवल हीमोग्लोबिन, ठीक है। अब ये हीमोग्लोबिन क्या करेगा, बचा हुआ हीमोग्लोबिन अब तो ये फ्री हो गया क्योंकि इसने चार को यहाँ पे कैरी कर रखा था, चारों जो है ये यहाँ से निकल गए, ठीक है, ये चारों निकल करके चले गए टिश्यू फ्लूइड में। अब हीमोग्लोबिन क्या है, फ्री है, तो अब ये हीमोग्लोबिन क्या करेगा कि CO2 को कैरी कर लेता है। अब हीमोग्लोबिन CO2 को कैरी करके अब यहाँ पे ये बनाता है कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, ठीक है, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड इसमें जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो कार्बामिनो हीमोग्लोबिन का ये इस तरीके से बना करके लेकर के अब ये CO2 को लेकर के कैरी करता हुआ वापस यहाँ आएगा, ठीक है। और यहाँ आने के बाद फिर वही होगा कि यहाँ पर CO2 का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है, ठीक है, यहाँ पर O2 का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, वापस फिर एक्सचेंज होगा, ठीक है। कोई भी चीज़ अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन से यानी कि जिसकी मात्रा जहाँ ज़्यादा होती है, अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन से किधर की तरफ जाता है, लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाता है। तो एक बार एक्सचेंज यहाँ हुआ और दोबारा एक्सचेंज कहाँ हुआ, यहाँ ब्लड से टिश्यू फ्लूइड में एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। इस तरीके से हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करके सेल तक पहुँचाता है, ये पूरा हमने प्रोसेस देखा, ठीक है। एक बार मैं थोड़ा फास्ट इसको बस के एक बार रिविजन करवा देती हूँ। देखिए सबसे पहले क्या हुआ, हमने ब्रीदिंग किया, ब्रीदिंग किया हमने तो क्या हुआ कि लंग्स में आ गया, बहुत सारे लंग्स में क्या आ गए, ऑक्सीजन आ गए, ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है। और वहीं ऑक्सीजन लंग्स के चारों तरफ ब्लड है जिसमें ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, लो है, यहाँ CO2 ज़्यादा है, यहाँ O2 ज़्यादा है, ठीक है ना, पहले कंडीशन में। अब यहाँ पे क्या होगा, एक्सचेंज होगा, CO2 यहाँ से यहाँ जाएगा और O2 यहाँ से यहाँ आएगा। जो O2 यहाँ पर आया उस O2 को क्या किया, हीमोग्लोबिन ने कैरी किया, एक हीमोग्लोबिन ने चार ऑक्सीजन को कैरी किया, बनाया ऑक्सीहीमोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन को लेकर के यहाँ से ढोते 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 पहुँच जाता है यहाँ टिश्यू फ्लूइड के पास। अब यहाँ वापस एक्सचेंज करना है तो यहाँ पर क्या प्रोसेस होता है कि अब यहाँ पर CO2 ज़्यादा है और ब्लड में O2 ज़्यादा है, तो ब्लड से O2 जाता है टिश्यू फ्लूइड में, टिश्यू फ्लूइड से CO2 आता है यहाँ पर, ठीक है, वापस यहाँ पर एक्सचेंज होता है। अब यहाँ क्या बचा, यहाँ आ गया CO2 को वापस हीमोग्लोबिन, अब जो फ्री हो गया था वो वापस हीमोग्लोबिन उसको कैरी करता है और यहाँ पर कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बनाते हुए इनके साथ कंबाइंड करके और यहाँ वापस आता है, फिर यहाँ पर वही प्रोसेस होगा, एक्सचेंज होगा। तो एक बार O2 CO2 का एक्सचेंज यहाँ पर होता है, एक बार O2 CO2 का एक्सचेंज यहाँ पर होता है, इस तरीके से हर सेल के पास O2 पहुंच जाता है जितना उसको चाहिए था। तो ये अभी हमने देखा कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन हीमोग्लोबिन के द्वारा कैसे किया जाता है, ठीक है। तो आज का ये छोटा सा यही टॉपिक था, अभी के लिए इतना ही, स्टडी करते रहिए। ओके, थैंक यू।